गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप ये देख रहे हैं, ये क्रासुला ओबाटा है तो इसकी मैंने ये कटिंग लगा दी थी क्रासुला ओबाटा की, तो इसे मैं आज ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ क्योंकि इसके कैक्टस के साथ में लगी हुई है, तो इसमें मैं ये लगाने जा रही हूँ, उखाड़ के ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, दूसरे पॉट में लगा दूँगी। ये हमने ये निकाल ली है, देखो कितनी अच्छी रूट बन गई है, ये कटिंग से ही लगाई हुई है, ये कटिंग से लगाई है, कितनी बढ़िया अच्छे से रूट बन गई है, वो हो भी गए करीब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया होगा ऐसे। चलो फ्रेंड, अब इसके हम रिपोर्ट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब ये क्रासुला ओबाटा को मैं इस क्रासुला ओबाटा को, क्योंकि ये छोटा है अभी बड़ा है नहीं, तो मैं इसमें रिपोर्ट करूँगी, इसमें है ना, तो इसमें इससे मैं इसके लिए मिट्टी में रेडी करती हूँ, जैसे होती है इसमें ये चिप्स हैं, ये हैं स्टोन चिप्स और ये ब्रिक चिप्स हैं, ये है ईंटों की जो मिट्टी, ईंटों के जो टुकड़े होते हैं वो हैं, और थोड़ा सा ये इसमें कोयला है, और ये खाद है, ये गोबर की खाद है, आप गोबर की खाद मिलाना चाहो तो और एक्स्ट्रा मिला सकते हो, क्योंकि ये ब्रिक्स डालने से ऐसा होता है ना कि ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रखते हैं और इनकी ग्रोथ होती है बहुत स्लो। इसमें मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं डाली, देखो तो मिट्टी अलग ही रखी है इस तरह से ऐसे। अब नीचे इसमें थोड़े से ये स्टोन चिप्स ही डालेंगे ऐसे करके, इस तरह से है, ऐसे मिट्टी डाल के ये ऐसे मिट्टी डालेंगे और इसके ऐसे ठाके रख देंगे ऐसे करके। अब इसका ये लीफ ये टूट गई तो इससे मैं इसमें लगा दूंगी, क्योंकि इनकी स्लो ग्रोथ होती है तो कोशिश करना चाहिए कि इनको छोटे ही पॉट में रिपोर्ट करें ना। ऐसे इसमें डाल के ऐसे हल्के हल्के ऐसे करके दबा देंगे इसे, क्योंकि इसके ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा रखना होता है, अगर इसमें पानी ज़रा सा भी रुक गया तो इसके रूट्स को रूट रॉट हो जाएंगी और ये मर जाएगा बिल्कुल प्लांट, है ना, तो इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसकी रेतीली सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं वो रखनी चाहिए। इसमें मैंने बिल्कुल बिल्कुल भी सॉइल नहीं मिलाई, ये सिर्फ रेत है, बजरपुट है और कोयला है और ब्रिक के जो चिप्स हैं ब्रिक वो हैं इसमें, मतलब इसके ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि पानी डालो और फटाफट ले ले और बाकी जो छोड़ दे पानी, इस टाइप का इसका ड्रेनेज सिस्टम रखा है मैंने, तो हम सकुलेंट की हमेशा इसी टाइप की मिट्टी होती है। सकुलेंट का मतलब यही होता है कि ये जैसे इसकी लीव्स है कितनी मोटी मोटी है तो इसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम और पानी दे देंगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो इसमें मिट्टी इसकी मिट्टी में पानी तभी डालो जब हमें ये बिल्कुल ड्राई लगने लगे, इसकी सॉइल जो हो बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी हम इसमें पानी डालें तो बढ़िया है, अगर ऐसे ही लगा देंगे पानी डालते रहेंगे भरते रहेंगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और सनलाइट कुछ होते हैं जो हल्की सनलाइट में भी चल जाते हैं, कुछ को खूब तेज सनलाइट चाहिए, मगर अभी मैंने इसे रिपोर्ट किया है तो इसे इसमें शेड में ही रखूँगी, इसमें देखो शेड ही है ऊपर वाले पोर्शन में है तो बाकी में सब शेड ही शेड है कि नहीं, तो प्लीज़ फ्रेंड इसमें पानी वानी की कम डालो, देखो इसमें ये जबकि इसमें इस पूरी सैंडी सॉइल है, ये अभी बारिश की वजह से इसमें इस टाइप की काई आ गई है, तो हम क्या करेंगे इसे इस तरह से करके हल्की धूप में रख देंगे 2 से 4 घंटे की धूप में, तो ये इसकी ये फंगस नहीं लग पाएगी, ये काई काई जैसी आ गई, ये आगे चल के फंगस का कारण बन सकती है, तो हम इसे धूप में ही रखेंगे ऐसे करके, हल्की सी 1-1.5 घंटे की धूप मिल जाए इसे छन के
जी ठीक हो जाएगा ऐसे करके। अब इसकी छन के धूप जाएगी, छन छन के है इसे तो, ये तो हार्डी प्लांट होता है। और इसमें मैंने ये भी रिपोर्ट किया है अभी, तो इसमें पानी मैं लगाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें वैसे गीला गीला है, और लगाऊंगी भी तो खाद का पानी लगाऊंगी, फर्टिलाइजर भी इसमें वही NP कॉन्सर्ट एलिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी, पानी की जगह वही फर्टिलाइजर ही लगाऊंगी इसमें, है ना। ये हमारे सूखे वाले एरिया के प्लांट्स होते हैं, तो इनमें कम ही पानी लगता है, पानी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।